तो गाइस ये देखो नमक का रेगिस्तान, जिसे देखने के लिए इतना एक्साइटेड था। व्हाइट रन गुजरात आया और कच्छ ना देखा तो कुछ नहीं देखा, और कच्छ में देखने के लिए मिलता है ये नमक का रेगिस्तान। हाथ का हालत देखो एक बार, कितना नमक जमा हो गया ये देखो। और ये है रोड टू हेवन, जो कि इंडिया का मोस्ट ब्यूटीफुल जितना रोड है उनमें से एक है ये। और मेरा आँख देखो कैसा लाल हो गया आज दिन भर। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो आप सब कैसे हो? आई होप कि सब एकदम बढ़िया मस्त एंड खुश हो। तो आज है मेरा डे 231, और कल रात में रुका हुआ था इसी खटिया पे। तो सुबह सुबह उठ के ब्रश व्रश करके रेडी हो चुका था राइड के लिए, लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम हो गया, अपना चेतक पंचर हो गया था। तो पंचर मस्त ये दो भैया ने बना दिया, आज मेरे को बनाने का जरूरत नहीं पड़ा। तो ये देख सकते हो यहाँ पर पंचर हुआ था कहीं पर, बन गया है पंचर मस्त। तो अभी इसे फिट कर लेते हैं। पंचर अपना मस्त बन चुका है, और अभी देख सकते हो मस्त नाश्ता कर रहा हूँ, रोटी और गुड़ काफ़ी अच्छा लगता है खाने में, ये देख सकते हो, आप लोग भी ट्राई करो। तो नाश्ता पास्ता अपना मस्त हो चुका है, तो जय श्री राम का नाम लेके आज का भी राइड को करते हैं स्टार्ट। और आज का जो डेट है 3 जून 2024, और व्हाइट रन का जो डिस्टेंस है कुछ 30 किलोमीटर पर व्हाइट रन देखने के लिए मिलेगा। और अभी टाइम जो है ना कुछ 8 बज रहा है, यानी 30 किलोमीटर चलाने में 10 बजे तक पहुंच जाऊंगा, लेकिन उस टाइम तक इतना गर्मी हो जाएगा ना उधर, बहुत बुरा हालत होगा। तो थोड़ा जल्दी में चलाते हैं साइकिल को। सुबह से लगभग मैंने 25 किलोमीटर साइकिल चला चुका हूँ, और उसमें से 3-4 किलोमीटर तो अच्छा रोड ही मिला था जहाँ पर घर द्वार था, और बाकी सब 20 किलोमीटर रोड जो है ना ऐसा ही मिला, पूरा एकदम पतला सा रोड है, खाली खाली है। बीच में एक बारी दुकान मिला था, तो वहाँ से मैंने एक 20 लीटर क्यों बोल रहा हूँ, 20 रुपये दे के 1 लीटर पानी खरीद लिया। और अभी व्हाइट रन जो है ना पहुँचने ही वाला हूँ, बस थोड़ा सा और रह गया 5 किलोमीटर। और मेरे को ना ये महल फहल किला फिला देखने में उतना अच्छा नहीं लगता है जितना ये सब नेचुरल प्लेस देखने में लगता है। व्हाइट रन देखने के लिए काफ़ी एक्साइटेड हूँ, बहुत सुंदर प्लेस है वो। तो अभी देखने ही वाला हूँ, बस 5-6 किलोमीटर और रह गया। और रोड का नज़ारा कुछ इसी टाइप का है, दोनों साइड में ऐसा रहता है, तो ट्रक व्रक आता है, गाड़ी उड़ी आता है, तो मेरे को बहुत परेशानी होता है। इस रोड पर ना थोड़ा रुक के पानी पीऊँगा, एक छाव सा जगह वो भी नहीं है, पूरा धूप है देख सकते हो। और ये सब छोटा छोटा पेड़ है जो कि कांटे का है, ये सब क्या छाव देगा, ये सब कुछ छाव नहीं देता है। और नरेश अंकल ने जो है ना मेरे को कुछ दिया था, ये देख सकते हो विटामिन सी का है, इसके अंदर से गोली रहता है और पानी में मिक्स करके पीना रहता है, तो पानी में मिक्स कर दिया हूँ, काफ़ी अच्छा टेस्ट है, ये लेमन वाला फ्लेवर है। और इसके अंदर से जो है ना कुछ पैसा निकला है, नरेश अंकल ने वैसे घर पर तो कुछ पैसा देकर मदद किया ही था, और प्लस इसके अंदर भी कुछ पैसा डाल दिया है। गुजरात में ना सबसे ज़्यादा सपोर्ट मिला भुज में, बहुत अच्छे अच्छे लोग मिले। रात में मैं भुज में पहुंचा था, तो खाना पीना रहने का सब उसका भी कर दिया था, सब मतलब भुज से बहुत सपोर्ट मिला। गुजरात में सबसे ज़्यादा सपोर्ट मिलने वाला जो ज़िला है वो भुज ही है, काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिला। तो नरेश अंकल को शुक्रिया दिल से अगर देख रहे हो वीडियो, नरेश अंकल वैसे सब वीडियो देखता है मेरा। और वैसे कल रात में जो है ना दो जने ने और भी कुछ पैसा दे के फाइनेंशियली मदद किया है, एक है विंटेज करके कुछ नाम है भैया, उन्होंने 300 रुपये दे के हेल्प किया है, साइड में स्क्रीनशॉट लगा दूंगा, आपको भी भैया दिल से शुक्रिया। और एक भैया है, और उन भैया का नाम है सुमीर पप्पू शेख, तो भैया आपको भी दिल से शुक्रिया, आपने भी कुछ 250 रुपीज़ दे के मदद किया, स्क्रीनशॉट लगा दूंगा साइड में, आप लोग देख लेना। आप सभी लोगों को दिल से शुक्रिया, आप सब लोग इतना सपोर्ट प्यार करते हो। भुज पहुंचने से पहले ना मेरे साथ में एकदम 00 बजट था, मैंने अपना दोस्त अमृत और उसके बाद राजीव जो लोग अभी ऑल इंडिया टूर कर रहे हैं उन लोगों से 5000 रुपये लेके मैंने खाना खाया, मेरे को याद है। जब मैं भुज आके पहुंचा उसके बाद नरेश अंकल अचानक से कांटेक्ट हुआ, तो नरेश अंकल के थ्रू कुछ हेल्प मिल गया, और कुछ आप लोगों के थ्रू। यूट्यूब तो मेरे को पेमेंट नहीं करता है, लेकिन मेरा जो फैमिली मेम्बर है वो बहुत सपोर्टदार है, तो उनके थ्रू मेरा जो ट्रैवल है वो चलता रहता है। और भगवान करे मेरे को हरियाणा में जाके काम ना करना पड़े, नहीं तो फिर यूट्यूब का जो रीच है वो डाउन हो जाएगा, क्योंकि बीच में भी मेरे साथ ऐसा एक बार हो चुका है जब आंध्र प्रदेश में चोरी हो गया था, तो 15-20 दिन के लिए यूट्यूब बंद था, तो एकदम रीच डाउन हो गया। तो इस बार भगवान करे ऐसा ना हो। बाकी मैं डेजर्ट में पहुंच चुका हूँ, मतलब कि व्हाइट रन में, ये देख सकते हो यहाँ पर, यहाँ से स्टार्ट हो जाता है व्हाइट रन, आगे जाके व्हाइट देखने के लिए मिलेगा, फिलहाल तो ये सब रेता जैसा ही है। और यहाँ पर देख सकते हो ड्रोन वगैरह उड़ाना अलाउ नहीं है, फायर उसके बाद ये हॉर्न फॉरन अलाउ नहीं है।
तो देखते हैं, काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इस चीज़ को देखने के लिए। और ये जो है ना रोड पूरा 31 किलोमीटर का है और बीच में शायद कुछ नहीं मिलेगा लोग बोल रहे हैं, बाकी देखते हैं चलने के बाद ही पता चलेगा। 31 किलोमीटर है और मेरे साथ में पानी एकदम ख़त्म हो गया। बाकी कोई टेंशन नहीं है, गाड़ी उड़ी चल रहा है तो किसी से भी मांग के ले लेंगे। तो गाइस ये देखो नमक का रेगिस्तान, जिसे देखने के लिए इतना एक्साइटेड था। व्हाइट रन गुजरात आया और कच्छ ना देखा तो कुछ नहीं देखा। और कच्छ में देखने के लिए मिलता है ये नमक का रेगिस्तान। और ये है रोड टू हेवन, जो कि इंडिया का मोस्ट ब्यूटीफुल जितना रोड है उनमें से एक है। ये दोनों साइड में नमक का रेगिस्तान है। कितना सुंदर लग रहा है देखने में, आसमान और जमीन एक साथ में जगह मिक्स हो रहे हैं। एंड में जाके देख सकते हो, एंडिंग नहीं दिख रहा है, देख सकते हो कितना बढ़िया लग रहा है देखने में, पूरा व्हाइट दिख रहा है। लेकिन गर्मी बहुत है यहाँ पर। और इस रोड का जो टोटल डिस्टेंस है कुछ 31 किलोमीटर है, और 31 किलोमीटर के बीच में जो है ना कुछ भी नहीं मिलने वाला है। एक दो गाड़ी चल रहा है तो उन सबसे पानी उनी मांग के पी लेंगे, और बीच बीच में कंस्ट्रक्शन भी चल रहा है तो पानी का तो हो जाएगा इधर उधर से। और साथ में मेरा बिस्किट पड़ा हुआ है तो बिस्किट खा लेंगे, तो खाने पीने का कोई टेंशन नहीं है। और ये नज़ारा जो देखने के लिए मिल रहा है ना, क्या ही बताओ, एकदम नेक्स्ट लेवल का। अगर सनसेट के समय पे आया जाए ना तो और सुंदर लगेगा देखने के लिए, यानी शाम के टाइम पे, यानी 31 किलोमीटर डिस्टेंस कवर तक करते करते मतलब शाम हो ही जाएगा। कहीं पे रेस्ट लेंगे ना तो शाम के टाइम का नज़ारा भी देखेंगे। तो फिलहाल तो ये पटापट ये रोड क्रॉस करते हैं, क्योंकि धूप इधर बहुत ज़्यादा है और रुकने के लिए छाव कुछ नहीं है यहाँ पर। टाइम कुछ 1 बज चुका है और मैंने इस रोड का आधा से ज़्यादा क्रॉस कर दिया हूँ। 20 किलोमीटर 10 किलोमीटर और रह गया और मेरे को लग चुका है बहुत ही तेज़ी का भूख। तो मैं जो है ना अभी ये वाला बिस्किट खा रहा हूँ, और पानी जो है ना एक गाड़ी वाला से मांग के ले लिया। और इतना गर्मी हो रहा है ना यहाँ पर, तो मेरा जो फ़ोन है ये अभी बंद होने वाला है ओवर टेम्परेचर होकर, बहुत गर्म हो गया फ़ोन। बाकी जो भी है बिस्किट को खा के मैं 10 किलोमीटर चला के जल्दी जल्दी इसे क्रॉस कर देता हूँ। फाइनली ख़त्म हुआ है 31 किलोमीटर का नमक का रेगिस्तान। ये देख सकते हो ये चेक पोस्ट आ चुका है, और वो शायद कुछ दुकान वगैरह होगा उधर। अगर कुछ खाने पीने का मिलता है तो खाएंगे या तो पानी लेंगे। तो इस दुकान पे आके जो है ना एक बोतल पानी पिया वो, और मेरा हाथ का हालत देखो एक बार, कितना नमक जमा हो गया ये देखो, देख सकते हो इस वाले पे देखो स्लीव्स पे कितना नमक जमा हो गया। गर्मी बहुत ज़्यादा है, मेरा मुँह पूरा सूख गया है एक नमक की वजह से एकदम। तो अभी जो है ना बैठ के यहाँ पर थोड़ा टाइम रेस्ट ले लेता हूँ। इस दुकान पे बैठ के रेस्ट लेते हुए काफ़ी टाइम हो चुका है, कुछ 5 बज रहा है। तो अभी निकल चुका हूँ और यहीं पे ख़त्म होता है मेरा गुजरात का टूर। अब मैं डायरेक्ट निकलूँगा राजस्थान के लिए। बॉर्डर जो है ना लगभग यहाँ से 300 किलोमीटर होगा, और पहला पॉइंट रहेगा मेरा उदयपुर, उससे पहले माउंट आबू आएगा। तो माउंट आबू का जो है ना प्लान अभी कंफर्म नहीं है कि वहाँ पर जाऊँ या ना जाऊँ। वैसे आप लोग कमेंट में बताना कि माउंट आबू जाना चाहिए या नहीं, और वो प्लेस कैसा है, सुंदर है अभी के टाइम पे या नहीं। अगर हरा भरा बहुत ही बढ़िया रहेगा तो चला जाऊँगा, अगर सूखा हुआ रहेगा फिर तो नहीं जाऊँगा। फिर डायरेक्ट मैं लद्दाख का प्लान कर रहा हूँ अभी, मतलब जल्दी जल्दी लद्दाख साइड जाना है, इस टाइम पर जाना बेस्ट है लद्दाख पर। और इधर का नज़ारा देखो कुछ इसी टाइप का है, रोड पूरा खाली खाली है एकदम। तो अभी चलाते रहते हैं आराम से। और लंच पे जो है ना सिर्फ बिस्किट ही खाया हूँ मैं, 2 गुड्डे बिस्किट था और पानी पी लिया। जिस दुकान पे बैठा हुआ था वो रेस्टोरेंट था, वहाँ पर खाना पूछा तो 200 रुपये मांग रहा है प्लेट का, तो काफ़ी ज़्यादा महंगा है मेरे लिए, तो इसकी वजह से मैंने नहीं खाया। साइकिल चलाता हुआ टाइम कुछ 8 बज चुका है, और मेरे को रहने के लिए बहुत ही अच्छा जगह मिल चुका है। ये देख सकते हो एक मंदिर है, वैसे मतलब पब्लिक मंदिर नहीं है, प्राइवेट मंदिर है, रखे ये मंदिर देख सकते हो काफ़ी अच्छा। तो इधर ही मस्त रहने बहने का हो गया, तो मैं मस्त नहा धो के फ्रेश हो चुका हूँ, और मेरा आँख देखो कैसा लाल हो गया, आज दिन भर नमक वाला जगह में चला ना, तो इसके वजह से
बाकी अभी मैं नहा धो के मस्त फ्रेश हो चुका हूँ और खाने पीने का भी इंतज़ाम कर देगा, तो अभी खाने पीने का बनने का वेट करते हैं। तो अभी जो है ना रात का खाने का टाइम हो चुका है और खाने पे ये देख सकते हो मस्त खिचड़ी है, बाजरे का रोटी और सब्जी है, और ये बाबा जी है, बाबा जी भी अभी खाना खाएगा इधर तो मस्त अभी इस खाने को खा लेते हैं। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट डे पे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।